गो अवे विद टैक्स टैक्स रिजीम, किसी ने ये बात नहीं बोली, लेकिन लेकिन जो परसेप्शन बना था उसको करेक्ट करना जरूरी है और राइट इंफॉर्मेशन लोगों तक जाए ये भी बेहद आवश्यक है नुपुर शर्मा। लेकिन ये सरकार का थम्स अप बजट है, खासतौर पर चुनावी लिहाज से। नवीन रहेजा मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, रहेजा डेवलपर्स के एसोचैम के भी नुमाइंदे हैं और क्रेडाई के भी नुमाइंदे हैं। मैं अबे दुबे के पास चलता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे को ज्वाइन करे हैं। अबे दुबे, क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने वापसी की तैयारी इस बजट से शुरू करी है जिसमें जय जवान भी है, जय किसान भी है, जय मजदूर भी है और जय मिडिल क्लास भी है? व्हाट इज योर टेक? देखिए देखिए, अभी आपने किशोर जी के साथ में था डिबेट में, जितने लोगों का इंटरव्यू बताए हैं उसमें तो ये लग रहा है कि रवानगी तय कर दी है सरकार की देश के मतदाताओं ने। आप याद कीजिए, इंटरिम बजट 2014 में जब हमारी सरकार थी, बड़ा चिल्ला चिल्ला कर जेटली साहब कहते थे कि आप तुरंत 5 लाख रुपए तक का एग्जम्पशन दीजिए, सीलिंग 5 लाख रुपए तक कीजिए, क्योंकि 30 मिलियन लोगों को इसका एडवांटेज मिलेगा, उनका परचेस पावर बढ़ेगा और इकोनॉमी बूस्ट होगी। अब 5 साल हो गए, 5 साल बाद 5 लाख रुपए आपको याद आते हैं? जो सबसे बड़ा धोखा किसानों के साथ आज हुआ है अमीश जी, आप जो मिडिल क्लास को 5 लाख की राहत मिली है, नहीं अबे दुबे, जो मिडिल क्लास को 5 लाख की राहत मिली है, उसमें सरकार नहीं है। 4 साल आप मिडिल क्लास को राहत मिलने से खुश नहीं है क्या? जो बड़ी है उसमें 1 एकड़ पर 2000 रुपए पड़ गए, इतनी चिंता थी तो 6000 रुपए एकड़ इनपुट कॉस्ट बढ़ी है, 2 एकड़ पर 12000 रुपए इनपुट कॉस्ट बढ़ गई अमीश जी, और 6000 रुपए किसानों को आप दे रहे हो, मतलब 12000 रुपए लेकर 6000 रुपए दे रहे हैं। 12000 रुपए हमने 70 साल राज किया है, लोन सुन लीजिए, अब सुनिए, आप आपकी आपके सामने एक शब्द भी नहीं बोलूंगा, किया क्या है मोदी सरकार ने? देश का 80% किसान बाजार के भरोसे है, 25 मिलियन टन दाल का प्रोडक्शन हुआ है, आप जानते हैं, और जीरो इंपोर्ट ड्यूटी करके 59 लाख मेट्रिक टन दाल इंपोर्ट कर ली मोदी सरकार ने, प्राइसेस क्रैश हो गए, बाजार में भाव नहीं मिल रहे, वीट तक का इंपोर्ट किया 7 लाख मेट्रिक टन, जीरो इंपोर्ट ड्यूटी करके, आप जानती है, और वीट का प्रोडक्शन 95 लाख मेट्रिक टन हुआ, 95 मिलियन टन हुआ है, और जितना हमारे समय हुआ था हमने 9000 करोड़ रुपए का गेहूं एक्सपोर्ट किया था, आपके ऑपोजिशन बेंच के साथ जो उतरे हुए चेहरे थे ना मिस्टर दुबे, उसकी भरपाई नहीं की आपने, बहुत कुछ बयान कर रहे थे, जो आपके राहुल मिनिमम इनकम मल्लिकार्जुन गैरंटी स्कीम लेकर आने वाले हैं अमीश जी, उनके मायूस चेहरे मार्जिनल और स्मॉल फार्मर ऑलरेडी इंक्लूड रहेंगे, आप देखिएगा, और वो राशि इससे कई गुना ज्यादा होगी, तो उसमें किसान भी, गरीब भी, वंचित वर्ग भी, सारे लोगों को लाभ मिलेगा। अबे दुबे, आप हमारी दुनिया ज्ञान दे रहे हैं, एक आनंद है कि प्रोजेक्ट का भाव क्या है, मिस नुपुर शर्मा, नुपुर शर्मा होल्ड ऑन, नुपुर शर्मा होल्ड ऑन, ऑडियंस में डॉक्टर तो अबे दुबे होल्ड ऑन, अबे दुबे होल्ड ऑन, देखिए चीखने चिल्लाने का वक्त नहीं है, ये बजट की बारीकियां समझने का वक्त है, आपको बड़े सारे लाखों करोड़ों व्यूअर्स देख रहे हैं, देश का नंबर वन नेटवर्क है, देश का नंबर वन चैनल है, तो मेरी उम्मीद है कि आप भी इत्मीनान से अपनी बात रखेंगे, इस समय मजदूर किसान मिडिल क्लास सबको सब कुछ देख रहा है, 2 महीने बाद वोट मांगना अभी आपको जाकर, और यहाँ पर देखिए 10 साल आपका शासन भी था, अभी आपने 70 साल की भी बात करी, 10 साल आपका शासन भी था तो मिडिल क्लास को आप राहत दे देते, जो 5 लाख का ज्ञान आप आज दे रहे हैं वो पी चिदम्बरम ने ज्ञान क्यों नहीं दिया था जब उनका शासन था? सही कह रहे हैं अमीश, ओके बताइए इस पर क्या कहना चाहते हैं? अभी आप कह रहे हैं ये 3 साल पहले क्यों नहीं किया, 4.5 साल पहले क्यों नहीं किया, आप मुझे बताइए, किया तो सही, चलने के वक्त किया तो सही, क्या आप खुश नहीं है मिडिल क्लास को जो राहत मिली है, मजदूर को जो पेंशन मिली है, किसान को जो राहत मिली है, उससे आप खुश नहीं है? नहीं है तो ऑफिशियली बोल दीजिए नहीं है खुश। अमीश जी बताइए, अमीश जी यू शुड क्वेश्चन योर ओन फाइनेंस मिनिस्टर व्हाट ही डिड व्हेन ही वाज इन गवर्नमेंट, ही वाज डूइंग करप्शन। अमीश जी देखिए क्या मेरी सच्चाई समझ लीजिए, हमने ये अरुण जेटली जी ने चिल्ला चिल्ला कर मांग की थी, हमने नहीं कहा था, तब अगली सरकार आते ही अरुण जेटली साहब को यह कर देना चाहिए था, एक बात,
जी जी उदाहरण तो देखिए, मैं रोकना चाहूंगा बीजेपी प्रेस। वित्त मंत्री पीयूष गोयल जी ने जो बजट लोकसभा के अंदर पेश किया है वो बजट, धन्यवाद सर। तो अमित शाह कह रहे हैं कि बजट का स्वागत करता हूं, 5 लाख से ज्यादा पर बस स्टैंडर्ड डिडक्शन वाला ही फायदा होगा और कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन 5 लाख तक जिनकी आमदनी है उनको बड़ा फायदा होगा, उनको डबल बोरेंजा मिला है। एक ही बात पे मेरे साथ शर्मा मेरे साथ है, नवीन रहेजा मेरे साथ जुड़ गए। मैं टैक्स एक्सपर्ट आपके पास आना चाहता हूं और ये जानना चाहता हूं असल में कितने लोगों को सीधे तौर पर फायदा मिल रहा है, क्या ये संख्या 3 करोड़ से ज्यादा है? देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे डाटा उपलब्ध है कि आज तक टोटल कितने पैन इशू हुए, टोटल पैन तकरीबन 40 करोड़ पैन इशू हुए हैं जिसमें से रिटर्न फाइल करते हैं सिर्फ 5.43 करोड़ को फायदा आप कह रहे हैं 5.43 करोड़ रिटर्न जिन्होंने फाइल किया और जिसमें से एज पर डाटा अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 3.31 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 5 लाख तक का रिटर्न फाइल करते हैं, उनको जरूर फायदा मिलेगा। जी 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 नवीन रहेजा, रियल एस्टेट के लिए एक तरह से सरकार ने एक बड़ी राहत देने की कोशिश करी है, एक बूस्टर डोज देने की कोशिश करी है, इसका फायदा मिलेगा नौकरियों में, बड़ी बात यह है। एक तो 5 लाख के कारण से डिस्पोजेबल इनकम बढ़ता है थोड़ा सा और उससे अफोर्डेबल हाउसिंग में लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे क्योंकि आगे वो जो फर्दर 1.5 लाख का एग्जम्पशन का छूट है उसके ऊपर भी जो और इंटरेस्ट के ऊपर भी जो एग्जम्पशन का छूट है उन दोनों का एडवांटेज लेना चाहेंगे तो अपनी ये 5 लाख की जो उनकी कैपेसिटी है जहाँ पर टैक्स नहीं लगना वो उसको 7, 7.5, 8 लाख तक भी ले जा सकते हैं, तो इससे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो उसके कारण से अफोर्डेबल हाउसिंग को बूस्ट मिलेगा। दूसरा इसके अंदर जो बेनिफिट हुआ है वो हुआ है कि TDS जो है वो रेंट के ऊपर अब 1.8 से 2.4 कर दिया है और अंडर परचेज प्रॉपर्टी जो जैसे होती है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी 50 लाख से अगर 2 करोड़ कर दिया है तो TDS डिडक्शन नहीं होगा, इसका तो भी मिडिल क्लास को राहत है। हाँ, इससे कस्टमर को राहत है। क्या रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो कि एक लंप से गुजर रही है उसको एक फायदा मिलेगा? मैं अगर आपसे 40 सेकंड में पूछूं, रियल एस्टेट इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा और डेफिनेटली मिलेगा, कुछ एक स्टेप्स जो उन्होंने ले लिए हैं वो तो बहुत अच्छे हैं लेकिन GST का जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था वो अभी उन्होंने मिनिस्ट्रियल काउंसिल को रेफर किया है और हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ भी GST सब्सटेंशियली अगर रिड्यूस कर देंगे और यूनिफॉर्म कर देंगे तो हमें बहुत फायदा। अबे दुबे की बात है, तो अबे दुबे ये जो फायदा है ये 5 लाख तक के लिए है, अगर आपकी आमदनी 5 लाख से 5,10,000 भी है तब ये फायदा नहीं है। क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार ये जो बजट लेकर आई है ये, क्योंकि मैं अभी तक तमाम हेडलाइंस पढ़ रहा हूँ, इसको माना जा रहा है कि लास्ट बॉल सिक्स बजट, अ बिग बिजनेस न्यूज़पेपर इज राइटिंग इट, पीयूष गोयल हिट्स अ लास्ट बॉल सिक्सर इन अ प्री पोल बजट, व्हाट इज योर टेक, आपका व्यू क्या है? अबे दुबे देखिए अमित जी, सिर्फ ये अनाउंसमेंट को नहीं देख रहा है देश, जिस वर्ग की आप बात कर रहे हैं वो पढ़ा लिखा वर्ग है, वो देख रहा है मंथली इकोनॉमिक सर्वे, कहीं दूर मत जाइए, मंथली इकोनॉमिक सर्वे मोदी सरकार ने जो अभी 10 दिन पहले जारी किया है उसकी रिपोर्ट उठाकर पढ़ लीजिए, सारे इंडिकेटर्स इस बात की गवाही देंगे। खासकर आप बात कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को उठाकर देख लीजिए, उसकी ग्रोथ रेट कोलेप्स हुई है, 0.4 रह गई है जो पिछली बार इसी वर्ष 10.4 थी और ये खुद सरकार इस बात को स्वीकार कर रही है। तो चाहे वो फॉरेन रिजर्व हो 13.2 बिलियन से उसका डिप्लेशन हुआ है, इन्वेस्टमेंट है नहीं, देखिए 4 टायर हैं इकोनॉमी के जिसमें से 3 पंचर हैं बेसिकली, एक तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं है, प्राइवेट कंजम्पशन नहीं है, एक्सपोर्ट कोलैप्स हो गया, सिर्फ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। आप बता रहे हैं कि क्या चीजें कोलैप्स हो गई लेकिन जो चीजें दे दी सरकार ने उन वो चीजें आपको ठीक लग रही है कि वो गड़बड़ लग रही है? नेतृत्व में भारत सरकार का सीमांत किसानों तक, तो पीयूष गोयल बता रहे थे कि किसानों को बड़ा फायदा, नरेंद्र रेजा बीजेपी स्पोक्स पर्सन जुड़ गए हैं। कांग्रेस कह रही है कि जुमलेबाजी वाला बजट है, असल में बोला कुछ और करा कुछ और 4.5 साल बाद सब कुछ याद आया। देखिए बजट खत्म हुए 1.5 घंटा हो गया, कांग्रेस से अभी तक टिप्पणी नहीं कर पाए, इवन चिदम्बरम जो वित्त मंत्री रहे
उनका ब्रेन है आर्थिक मसलों में, वो भी कुछ नहीं कह पा रहे, जाहिर है। नहीं नहीं, लेकिन कुछ उसमें सब्सटेंस तो नहीं है, बस जुमला 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 कर दिया। लेकिन आप मुझे बताइए कि ये बजट ऐसा है, आपने जिस तरह का उत्साह और ताड़ियां पार्लियामेंट हाउस के अंदर दी, आज जाके अपना कैमरा भेजिए, पूरे देश में उल्लास है, क्योंकि किसान से लेकर के, महिला से लेकर के, नौकरी पेशा आदमी काम करने वाले से लेकर के, हर आदमी को इससे फायदा हुआ है। देखिए बजट जो होता है वो इस हिसाब से होता है कि देश की अर्थव्यवस्था से कोई समझौता नहीं, उसके सिद्धांत से कोई समझौता नहीं, जो आपके जो प्रूडेंस है फिस्कल मैनेजमेंट की, उससे कोई समझौता नहीं। बिना किसी चीज से समझौता करे, बहुत ही ईमानदारी से हर एक को जो है उसका लाभ दिया गया। पर एक 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 व्यू है कि मिडिल क्लास में आपने राहत अप टू 5 लाख दी, लेकिन ये राहत अगर तमाम लोगों को 5 लाख की दी जाती, करीब करीब 3.5 करोड़ टैक्स पेयर है जिसको ये राहत मिल रही है, लेकिन लगभग 3 करोड़ टैक्स पेयर है जिसको ये राहत नहीं मिल रही। क्या आपको लगता नहीं है कि अगर वो राहत भी देते तो डबल पॉलिटिकल फायदा होता आपको? नहीं नहीं, देखिए पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हम लोग नए भारत के लिए बजट लेके आए हैं, ये इलेक्शन से इसका कोई लेना नहीं। लेकिन बजट तो थोड़ा सोशलिस्ट लग रहा है, जिसमें किसान की भी बात है, मजदूर की भी बात है। अब हमारे देश में जब तक गुर्बत है, जब तक जो है, देखिए भारतीय जनता पार्टी तो गरीबों की पार्टी है। अच्छा, हमारा तो सीधा सा उद्देश्य, राहुल गांधी कहते सूट बूट वालों की, नहीं नहीं, अब वो तो अब मैं कहना नहीं चाहता, वो अब इटली फ्रांस किस किस की है, छोड़िए उसको। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है कि जो गरीब है उसकी मदद करो और अर्थव्यवस्था को इकोनॉमिक बूस्ट करो, अर्थव्यवस्था का विस्तार करो। हमने किसी भी, आप उठा करके बजट को देख लीजिए, कहीं पे जो इकोनॉमिक, जो प्रूडेंस जिसको बोलते हैं, उससे हमने समझौता नहीं किया। ये नए भारत का बजट है। ये वित्त मंत्री ने बार बार एक चीज को स्पष्ट किया कि 8 साल में हमारी अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी होगी। कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे वो कह रहे हैं कि ये नए भारत का बजट है, ये मजबूत भारत का बजट है, और इसमें फिस्कल प्रूडेंस को मेंटेन करते हुए हमने सब कुछ करा है, और चुनावी फायदे के लिए नहीं, देश के फायदे के लिए किया है। और पीयूष गोयल ने अपनी बजट मेडन स्पीच में भी बार बार बोला कि हमने 10 साल की रूपरेखा के लिए बजट को तैयार किया है, हमने 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए तैयार नहीं किया है। अगर करना होता तो किसानों का कर्ज माफ कर देते, उससे बड़ा पॉलिटिकल गिमिक क्या होना चाहिए था। लेकिन यहां पर उनके अकाउंट में सीधा 6,000 रुपए डालने की बात, करना होता तो सीधा 5 लाख की सीमा को फ्लैट कर देते, जो कि 6.5 करोड़ लोगों को फायदा देता, अब 3.5 करोड़ को फायदा दे रहा है। तो कहीं ना कहीं फिस्कल प्रूडेंस को, फाइनेंशियल प्रूडेंस को इस्तेमाल किया गया है। अबे दुबे, देखिए मैं बार बार ये कहता हूँ, मोदी सरकार ने 5 साल में 50 साल हिंदुस्तान को पीछे धकेल दिया, अब नए भारत बनाने की बात कर रहे हैं। इसलिए तो NSSO ने कहा कि 70 के दशक के बाद सबसे बड़ी बेरोजगारी हिंदुस्तान में मोदी सरकार ने पैदा की है, डीमोनेटाइजेशन के ब्लंडर से। मैं किसानों पर ज़रूर फोकस करना चाहता हूँ। देखिए 86% किसान स्मॉल और मार्जिनल हैं हिंदुस्तान में। आप कर क्या रहे हैं, आप उठा कर देखिए तो बीते 5 साल में कीटनाशक हो, फर्टिलाइजर हो, पेट्रोल डीजल हो, लेबर हो, सिंचाई के संसाधन हो, जो इनपुट कॉस्ट किसान की 1 एकड़ पर है, आप निकाल के देख लीजिए। मैं पंजाब के और राजस्थान के किसानों को पढ़ रहा था अभी इतनी देर में, उन्होंने कहा कि 6,000 रुपये प्रति एकड़ इनपुट कॉस्ट हमारी बढ़ गई, अब 2 एकड़ के किसान के 12,000 रुपये 5 साल में छीन लिए और कहते हैं 6,000 रुपये हम किसानों के खातों में डालेंगे। मुझको लगता है 16 रुपये रोज में किसान क्या हासिल कर लेगा, प्रधानमंत्री जी बताइए। आपने जो कहा था कि 50% कॉस्ट काम ऊपर देंगे, अगर वो देते तो 2 लाख करोड़ रुपए किसानों की जेब में गए होते। 80% किसान बाजार के भरोसे है प्रधानमंत्री जी। आपने 0% इंपोर्ट ड्यूटी करके ठीक है वीट तक इंपोर्ट कराना स्टार्ट कर दिया। जी आप कह रहे हैं कि इस प्रकार के किसने क्या पॉइंट बाय पॉइंट जवाब सुने। अबे तुम्हें यू मेड योर पॉइंट, आपने रूलिंग पार्टी से सवाल पूछा, रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता से जवाब सुन लीजिए। अबे जी पॉइंट बाय पॉइंट जवाब ले लीजिए। बजट पर बहस हो रही है, किसी और विषय पर डिबेट बहस नहीं है। मेरा निवेदन है कि व्यूअर्स को भी समझ में आना चाहिए। देखिए ये किसानों के पास इतना पैसा जाएगा, 75,000 करोड़ रुपया जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसके अंदर जाएगा, और आपको पता है जब इतनी बड़ी रकम जाए तो अर्थव्यवस्था को कितना स्टिमुलस मिलता है। दूसरी बार आपने बजट की स्पीच ध्यान से सुनी नहीं, हमने वहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, उसमें इंसेंटिव दिए हैं। कुल मिला के हमारी कोशिश है कि जो गाँव में जो किसान का घर है उस घर की आय बढ़े। आपने एक हिस्सा देखा,
आपने बाकी चीजें नहीं देखी, और जो हमने 4.5 साल से किया, चाहे वो एलपीजी सिलेंडर था, चाहे वो सिंचाई के साधन थे, चाहे गांव में बिजली लेके चले गए, जिन लोगों को आपने अकाउंट नहीं तक नहीं खोले दिया, सबके अकाउंट खोल दिए, वो तो आपने देखा। अच्छा फाइनल पॉइंट मैं आपको बता दूं, जो राज्य सरकारें हैं, जहां जहां आपकी सरकार है, आप इसमें और जोड़ना चाहते हैं। एक उम्मीद थी राहुल गांधी, क्योंकि बड़े अग्रेसिव हैं, वो कह रहे हैं कि मैं यूनिवर्सल इनकम स्कीम लेकर आऊंगा अगर हमारी सरकार बनी, कांग्रेस का शासन आया 2019 के अंदर, उसका जवाब इस बजट में देने की कोशिश करी या फिर प्रयास हुआ, हो नहीं पाया? देखिए पहली बात तो अमीर जी, जो बजट होता है वो राहुल गांधी ने जो टिप्पणी करी, जो भी कहा था यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात, उससे पहले बजट तैयार हो चुका था, छप चुका था, आपको तो पता ही है। तो राहुल गांधी जी को कहीं से कोई, मुझे लगता है कुछ सुगबगाहट लगी होगी, तो उन्होंने वो टिप्पणी कर दी बिना सोचे समझे। और अभी भी आपने देखा बजट की स्पीच चल रही थी, वो तो पार्लियामेंट के अंदर कितने, मतलब किस मुद्रा में बैठे थे, आप उसको देख लीजिए। प्रश्न इस बात का है कि इतनी देर हो गई बजट पेश करे हुए, कोई कॉन्क्रीट आपने क्रिटिसिज्म तक नहीं कर पाया, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है क्रिटिसिज्म है जो कि 5 लाख की जो रिबेट थी, इसको अगर टैक्स स्लैब में बदल देते तो ज्यादा बड़ा कैनवस हो जाता। नहीं नहीं, आप देखिए ना, देखिए वित्त मंत्री ने इस चीज को इसीलिए पार्लियामेंट में अच्छी तरह एक्सप्लेन किया अपने, उनके उन्होंने ये कहा कि आपको 5 लाख का इसमें जो है 5 लाख तक वालों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उन्होंने बताया अगर आपने यहां इस तरीके के इन्वेस्टमेंट करें तो वो 6.5 लाख हो जाता है। उन्होंने कहा कि जो और थोड़ा सा प्रूडेंट है और इन्वेस्टमेंट को लेकर स्मार्ट है, वो इस 6.5 लाख से भी आगे चला जाता है। वित्त मंत्री चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, नंबर्स को अच्छी तरीके से समझते हैं। उन्होंने वित्त मंत्री पीयूष गोयल की मेडन स्पीच कैसी लगी? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, भारतीय जनता पार्टी जो है वो टैलेंट का समंदर है। अरुण जी होते तो वो भी अपने, आपको तो पता ही है, खैर वो तो वेटरन है, लेकिन पीयूष जी ने जो आज स्पीच दी है आप देखिए, और वो ऐसी स्पीच है लोगों का दिल छू गई। आप जरा आम आदमी से बात तो करके देखिए, जिस हिसाब से उन्होंने, जिस हिसाब से उसको समझाया, वोट पड़ने हैं, आम आदमी का दिल छुआ या मन दुखा वो पता लग जाएगा। अश्विनी तनेजा है, टैक्स एक्सपर्ट है, आम आदमी की नब्ज को समझते हैं। आज एक नॉर्मल टैक्स पेयर खुश होगा तनेजा साहब, या फिर उसे लगेगा थोड़ा दिया थोड़ा और दे देते। चलिए इसकी तो हमेशा गुंजाइश रहती है। अश्विनी तनेजा, ये रही है कि जब बजट होता है तो कोई टैक्स रेट में बदलाव नहीं होता 91 से हमेशा बात करी, पर मेरा कहना सुना नहीं था, मैं बोल भी रहा था कि ये हमारी जो मौजूदा सरकार है ये गैर परंपरागत तरीके से मूव करती है, और अभी भी कहीं जितने कड़े कदम इस सरकार ने उठाए हैं अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए देश में, जो भी आपने दिक्कत आ रही है, मैं दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। मैं, मेरे साथ एक और टैक्स एक्सपर्ट है, लेकिन ये कैनवेस आपको लगता है थोड़ा अगर बड़ा होता तो ज्यादा बड़ी राहत मिलती, लेकिन इसका कुछ बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए जैसे तनेजा साहब ने कहा कि जब भी हम बजट बनाते हैं तो एक प्रूडेंस की रिक्वायरमेंट है वहां पर जी। अगर सारे के सारे लोगों को हम कवर कर लेंगे तो देश का जो हमारा रेवेन्यू का जो बजट है वो भी तो हिल जाएगा, देश भी चलाना है। ठीक है शेष जी, पॉलिटिकल इंपैक्ट, मेरा बड़ा सीधा पॉइंटेड क्वेश्चन है, पॉलिटिकल इंपैक्ट इस बजट का क्या पड़ने वाला? नहीं, बिल्कुल पड़ेगा। चुनाव सरपंच जो 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 सेक्शंस एड्रेस किए गए हैं वो निश्चित रूप से वो उनको किया जाएगा। अब जैसे इन्होंने 1,53,000 घर बनाए हैं EVS के, इसमें बताया गया बजट में भी, तो बजट केवल टैक्स थोड़ी ही है, बहुत कुछ चीजें मजदूर के लिए किया गया, किसान के लिए किया गया। प्रोग्राम में उन्होंने 50,000 अब 21 एम्स अनाउंस किए हैं और 22वां अनाउंस कर देंगे। अब मुझे लगता है ये इससे बचना था, अनाउंसमेंट से एम्स नहीं बनता, लेकिन तमाम चीजें जैसे टारगेटेड डेवलपमेंट किया है, क्या कहते हैं 150 किया गांव में, 98% स्वच्छता का टारगेट पूरा किया है, ये सारी चीजें जो हैं, किसानों का MSP उनका दावा है, अब कांग्रेस को चाहिए उसका खंडन करे क्योंकि मैं किसान हूं, मैं जानता हूं कोई कुछ नहीं बढ़ा है, कॉस्ट जो है बढ़ती ही जा रही है, वो होता जा रहा वगैरह वगैरह, लेकिन ये सारा का सारा कार्य जो है, अब जैसे प्रधानमंत्री किसान इलेक्शन में आपसे बड़ा पॉलिटिकल इसका पॉलिटिकल फायदा होगा। ओके जी, 15 सेकंड फिर नरेंद्र, फिर नवीन रहेजा।
वित्त मंत्री ने कहा फिस्कल डेफिसिट की बात हुई, उन्होंने कहा भाई 3.4 कहां से हम लेकर, और साथ में एक बात और करनी है, लेकिन साहब आपको ये भी समझना पड़ेगा चुनावी साल है, राहुल गांधी पूरे अग्रेसिव है, और राफेल से लेकर कांग्रेस सरकार की बकिया उधेड़ रहे हैं हर दूसरे दिन। उन्होंने साथ में ये भी बात कर दी है, उन्होंने साथ में देखिए वित्त मंत्री ने ये भी कहा 2020 में हमारा टारगेट है 3%। अरे 2020 में है कहां वो, वो तो मई में तो मोदी अगर दोबारा भी आए तो प्रधानमंत्री नया होगा, मोदी अगेन होंगे ना, मैं आपको 2020 का टारगेट क्यों ले रहे हैं। सुनिए जहां तक 19 में आएंगे 2020 मिलेगा, देखिए आने का इंतजाम करो बाबू जनता। देखिए पहले हमने कहा ये बजट नए भारत का बजट है, इलेक्शन के लिए हम इतनी छोटी नजर नहीं रखते, इलेक्शन के लिए बजट नहीं बनाएंगे। दूसरी बात इलेक्शन के लिए नहीं है ये नए भारत का बजट, नहीं नए भारत का इलेक्शन के लिए नहीं है। अच्छा, ना दूसरा नए इलेक्शन, ये नए भारत का बजट है। और दूसरी मैं आपको एक बात बता दूं, और देखिए आपको बता दूं, आप भारत की जनता से बात करके देख लीजिए आज के दिन हमने अभी किया है, अभी किसानों ने कहा है कि बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरा है। अरे साहब वो योगेंद्र यादव, और योगेंद्र यादव नहीं भैया, हम गांव में बैठे हैं, हमारा चैनल बैठा है। दूसरा नहीं, दूसरा सुनिए, चुनाव तो देखिए आप जो भी कहना, चुनाव तो जनता हम ही जीते, सरकार ये बात, ये पॉइंट, अगला बजट भी हम ही पेश कर रहे हैं, और वो भी बीजेपी के प्रवक्ता का कॉन्फिडेंस है कि अगला बजट 19 में हम ही पेश कर रहे हैं। अबे दुबे चाहे जो कर लो, नरेंद्र मोदी वापस आएगा, बीजेपी ये कह रही है ये बजट भी वापस आएगा, ये जनता भी वापस आएगी। अमित दुबे जी, जी देखिए अब जी जी अबे दुबे आवाज आ रही है। अमित जी शेष नारायण जी ने बहुत अच्छी बात की, आप बजट की स्पीच को पढ़िए, जितने उन्होंने बताए डिलीवरेबल्स, जैसे आप 96% स्वच्छता को लेकर उन्होंने बात की। मैं कह रहा हूं पिनाकी मिश्रा की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट देख लीजिए, उन्होंने कहा कि 2148 सिटी को आपने ODF डिक्लेयर किया है, 12 राज्यों को ODF डिक्लेयर किया है, 70% आपका झूठ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने पकड़ लिया। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट कहे जी, जो हाइब्रिड एनुटी मॉडल आपने लाए थे 86,000 करोड़ रुपए के, गरीब लोगों पे एलपीजी सिलेंडर पहुंचा या नहीं पहुंचा, दूर इरिगेशन पहुंचा या नहीं पहुंचा, सब जगह रोड गांव पहुंची या नहीं पहुंची, जरा बात करिए ना। अश्विनी तलेजा ये सरकार को वापस लाने वाला बजट है या फिर आपको लगता है कि खेल बिगड़ जाएगा? आप टैक्स एक्सपर्ट है लेकिन आपसे पॉलिटिकल सवाल पूछा है मैंने, क्योंकि टैक्स पेयर इस देश का बड़ा वोट बैंक भी है। क्योंकि ये बहुत बड़ा टूल होता है किसी भी सरकार के पास अपनी इमेज बनाने या बिगाड़ने का। आज सुबह से यही अटकलें उठ रही थी कि क्या इस परंपरा को तोड़ा जाएगा, क्या टैक्स रेट्स को छेड़ा जाएगा, तो मैं सुबह से ये कह रहा था कि गैर परंपरागत तरीके से चलने के लिए सरकार पहले से ही मूव कदम ले रही है, पहले दिन से ही कितने बड़े कदम उठाएगा, आज तक अनप्रेसिडेंटेड रहा, इतना बड़ा GST का रिफॉर्म्स लाए, नोटबंदी हुई, तो इस बार भी कुछ ना कुछ गैर परंपरागत होना था और हुआ, और टैक्स रेट्स को छेड़ा गया, तो इसलिए जो आखिरी मौका था सरकार का अपनी इमेज को ठीक करने का, उन्होंने किया, अच्छी मंशा से किया कि एक 5 लाख पर ये कैनवस बड़ा हो सकता था। आपकी राय क्या है? मेरी राय ये है कि इसको जब ये दे रहे थे तो पूरी 5 लाख तक सीधा सीधा छूट दे सकते थे, लेकिन उसमें दो कारण है शायद जिसकी जी हाँ, दो कारण क्या है वो क्विकली नरेंद्र जी पहले दो कारण तो शायद टैक्स बेस को शायद रिड्यूस नहीं करना चाहते थे। ओके दैट्स द पॉइंट, यस नंबर वन। नंबर टू जो टारगेट था रिलीफ कोई बात नहीं कर रहा, मैं बताना चाहता हूँ। जी मैं उसकी बात, टैक्स बेस का मतलब नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स नंबर वन। नंबर टू ये चाहते थे कि सिर्फ जो मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स हैं उन्हीं तक छूट पहुंचे। को मदर्स को 6 महीने की जो छुट्टी मिलती है जी, जी। उसकी जो सैलरी है उसको टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया उन्होंने, वो 6 महीने की तनख्वाह अगर मान लीजिए आपकी 6 लाख या 3 लाख है तो वो टैक्स से बाहर है महिलाओं के लिए। मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूँ, कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं एक ब्रेक के बाद आ रहा हूँ, आप देखते रहिए बजट पे हमारी बड़ी कवरेज।